इधर मध्य प्रदेश के सभी जिलों में फ्री में डिजिटल मीटर लगाया जा रहा है। वहीं उमरिया में लोगों के घरों में डिजिटल मीटर लगाने के नाम पर वसूली का खेल चल रहा है। यहां नगर पालिका के वार्ड क्रमांक एक में आदिवासियों से मीटर लगाने के एवज में 100 से 300 रुपए की मांग की जा रही है। इस संबंध में ठेकेदार के सुपरवाइजर से बात की गई तो उन्होंने कर्मचारियों पर कार्रवाई की बात कही। वहीं बिजली विभाग के अफसर प्रश्न का जवाब देने से बचते नजर आए। मेरे यहाँ स्मार्ट मीटर लग गया है, जो मीटर लगाने वाले रहे मेरे से 200 रुपये मांग रहे थे, इसमें 100 रुपये लिए हैं। कौन सा गांव? ये वार्ड नंबर 2 भंगा। और कुछ बोल रहे थे? 200 रुपये मांग रहे थे, लिए हैं नहीं, जिस जो कुछ मांग रहे सबसे, कोई दिया कोई नहीं दिया, पर मांग सबसे रहे थे। कितना लाइन पैसा? अब बता दो, को 100 को 150, ज्यादा नहीं लाइन भाग। कम से कितना लाइन? हमसे 150 100 ले रहे, वहाँ कहीं लगा रही है घर में, तो कहा लेंगे? कहा कहते रहे हम तो कर, हम बेट भूखे पिया से, हम तो कुछ दिया नहीं लाइन को, उसे बेट है ज्यादा नहीं लाइन ही रहा। कोई भी पैसा लगाने का 1 रुपये ना तो कंज्यूमर से है, बोर्ड वगैरह जो लगाता है, अगर बोर्ड वगैरह है तो कंज्यूमर को लाना है ना, बोर्ड नहीं लाता। अगर कोई लड़के से मंगवाते तो भाई बोर्ड का लगेगा, बोर्ड विभाग नहीं दे रहा है, बाकी अपने को 1 रुपये नहीं देना है किसी को। जहाँ लग रहा है जो ले रहे हैं पैसे, उसको क्या करेंगे आप? अगर वो होगा तुरंत कार्रवाई की जाएगी इसके लिए, कंज्यूमर से अगर पता चलेगा तुरंत कार्रवाई की जाएगी इसको, जो भी बनाई कार्रवाई है। क्या कार्रवाई करेगी भाई? FIR होगी और क्या होगा इसके अलावा।